हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएनकेबी पॉपुलर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम में बैंक अकाउंट या बैंक डिटेल कैसे फिल करेंगे, उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है अमेजन एफिलिएट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला वाला वेबसाइट है एफिलिएट प्रोग्राम .amazon.in। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप जो है ये वाले वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको जो है ऊपर में आपका ईमेल आईडी शो करेगा, जिस ईमेल आईडी से आपने जो है अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जो है अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आया है। यहाँ पर जो है आप चेंज पेमेंट मेथड पर क्लिक करके जो है अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे जो है दोबारा जो पासवर्ड फिल करने बोलता है, तो सिंपली मैं यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देता हूँ। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करता हूँ। आप टैक्स के रूप में ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जो है कॉल के रूप में ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं सिंपली टैक्स के रूप में ओटीपी प्राप्त करना चाहता हूं, तो इसीलिए मैंने टैक्स वाले ऑप्शन पर टिक लगा दिया है। उसके बाद यहां पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक ओटीपी मिलेगा। जैसा कि मेरा ओटीपी आ चुका है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको बता रहा है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही आपका 1000 रुपया जो है हो जाएगा, आपको जो है आपका अकाउंट में जो है पैसा विड्रॉल कर दिया जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर इस पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप टिक करते हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखना शो हो जाता है। यहाँ पर आपको जो है सारा चीज़ यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। यहाँ पर जो है आपको बैंक लोकेशन फिल करना है, ये अपने आप जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक करेंसी, तो इंडियन रुपीस ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर फिल करना है, जिसके नाम से बैंक अकाउंट फिल करना है उसी का नाम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से जो है बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद बैंक नेम यहाँ पर देना है, जो भी बैंक नेम है उसको यहाँ पर रख देना है। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आप एक यूएसए पर्सन हैं, अगर आप यूएस के पर्सन नहीं हैं तो यहाँ पर नो पर ही रहने देना है। तो मैं ये सारा चीज़ जो है फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली। तो मेरा जो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यह था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें।